आपका यहाँ इलेक्शन का दौर था, उसकी वजह से हम आपके पास आने में थोड़ा लेट हो गए हैं। और दूसरा कारण ये भी था कि जैसे अगस्त में मैंने कहा ज्वाइन किया, उसके बाद कई गतिविधियाँ रहती हैं और हमारे 8 KV के किसान कृषि विज्ञान केंद्र हैं, वहाँ का भ्रमण रहता है। उसके उपरांत अलग अलग जिलों में अलग अलग, जैसे जहाँ की जो फसल है वहाँ पे उस फसल के अनुसंधान के लिए हमारे केंद्र बने होते हैं। जैसे यहाँ केंद्र है, लियो में हमारा केंद्र है, सांगला में केंद्र है, इस तरह से अलग अलग क्षेत्रों का भ्रमण है। और हम 6 तारीख को पालमपुर से चले थे और 7 को हमने ये ऐसा ही कार्यक्रम सांगला में किया और 8 को हम यहाँ आए हैं। कल हम लियो स्टेशन में घूमने के उपरांत आपके बीच, कल रात को लेट पहुँचे और आज हम आपके बीच हैं। तो जैसे मैंने पहले भी कहा, जिसकी भी कोई समस्या हो आप अपनी समस्या यहाँ रख सकते हैं और आपकी समस्याओं को सुलझाने की हम भरपूर कोशिश करेंगे। तो एक बार मैं अपनी तरफ से और अपने कृषि विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से आप कृषक बहनों और भाइयों का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे बीच ग्राम पंचायत प्रधान ग्यू पद्मा दोरजे जी हैं। अतिथि देवो भव की संस्कृति को निभाते हुए हम अपने अतिथियों का टोपी पहनाकर झूले। आप देखिए सभी, मैं 1993-94-95 में रहा हूँ यहाँ। तुम्हारे वाइस चांसलर साहब भी बहुत धार्मिक हैं और सर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये अभी भी इस वक्त मैं देख रहा हूँ ये बुजुर्ग बैठे हैं, ओम माने पद्मे ओम, ये टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। हमारे बीसी साहब इतनी टीम लेकर के आए हैं, आपने देखा जब हम यहाँ एंटर कर रहे थे तो इन्होंने भी इस धरती को नमस्कार किया और मैं भी करता हूँ और आप लोगों का। सो ऑनरेबल वाइस चांसलर प्रोफेसर हरिंदर कुमार चौधरी जी, उनके मैडम डॉक्टर प्रवीण लता, बेटा डायरेक्टर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन डॉक्टर सतीश, डॉक्टर मधुमीत डीन कॉलेज ऑफ मनदीप, डॉक्टर मनदीप पहले हमारे वो डॉक्टर मधुमीत होते थे तो उनका नाम चढ़ा हुआ है, तो डॉक्टर मनदीप डीन कॉलेज ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेस, और दूसरे विभाग अध्यक्ष कई आए हैं, केवी के इंचार्ज आए हैं, डॉक्टर सुमन आए हैं और आपको सभी को इंट्रोडक्शन कर दी। और मेरे प्यारे भाइयों, किसान भाइयों और बहनों, पलजम का नाम तो मैं ज़रूर लूँगा ना, हैं एक हमारे भक्तराम जी भी होते थे पहले, पता नहीं आए हैं कि नहीं, जब मैं यहाँ था तो वहाँ यहाँ भक्तराम जी थोटल जी हैं और कई लोग हुरलिंग से आए हैं, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जब ताबू से हम आ रहे थे तो मैं रास्ते में ढूंढ रहा था कि हमारे जो लोग थे वो कहाँ हैं, तो ये कुछ चाय लेकर के आ रहे थे तो पलजम से मिला या बाकी और लेडीज थी तो बड़े खुश हुए, तो हमें भी बड़ी खुशी हुई क्योंकि 1993-94-95 में हमने यहाँ काम किया है और बहुत प्यार दिया है और आप लोगों का हमेशा सहयोग रहा है। अच्छा आप देखिए, यहाँ जब मैं था, सब एग्री करेंगे, यहाँ आलू लगाते थे, 1993 की बात कर रहा था, जौ लगाते थे, हल्लेस बारले, सरसों लाते थे, तोरियां लगाते थे आप, फिर सब्जियाँ, उसके बाद सब्जियों में थोड़े से आए, मटर में आए, उस टाइम में यहाँ कहीं भी सेब का पेड़ नहीं नज़र आता था। लेकिन आज जो हम देख रहे हैं, जैसे माननीय कुलपति ने आज भ्रमण किया पूरा, सभी से इंटरेक्शन भी की, तो यहाँ की क्या क्या समस्या है उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए आए हैं और स्टाफ की कमी रही उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, अब ऐसा नहीं होगा, वो वक्त गुजर चुका, अब तो हमारे माननीय कुलपति जी कह रहे हैं कि हम यहाँ मैक्सिमम टाइम आएंगे, कोशिश करेंगे कि समर में हमारा वाइस चांसलर साहब यहाँ आएं
और फिर यहाँ देखें कि क्या डेवलपमेंट हो रही है, और हर साइंटिस्ट को हम यहाँ बीच बीच में भेजेंगे, ऐसा हमारे माननीय कुलपति जी ने कहा। क्योंकि यहाँ जो प्यार और यहाँ जो आपने सहयोग दिया इस फार्म के लिए वो बहुत अतुलनीय है, उसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है चेहरों से कि इतनी खुशी आज माननीय कुलपति जी आए और उनके साथ इतने लोग आए हैं, तो उसका मैं आपके फेस से ही देख सकता हूँ कि कितनी खुशी है आप सब में। तो मैक्सिमम लोग जो हैं यहाँ आए हुए हैं, मैं आपका उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। यहाँ बाकी हम अब सब्जियाँ जो मटर अभी बता रहे थे, कुछ लोगों से हम डिस्कस कर रहे थे, यहाँ मटर और फ्रेंच बीन है, राजमास है, प्रभु जनता और किसान भाई बहनों प्रधान भी आए हैं इधर से गेहूँ के। मैं बागवानी विशेषज्ञ के तौर पर का पालमपुर में कार्यरत हूँ। 2006 में मैं पहली बार इधर आया था, मैं लियो में पोस्टेड था, तो जब हम इधर को लरी से अपने क्या कहते हैं अपने लरी की तरफ आते हैं तो ये पूरा खाली दिखता था। अब सेब से पूरा जितनी भी खाली जगह है, कल्टीवेबल लैंड है ना, जो सेब से भर गया है। मैं खुश हुआ, मैं सेब इसी पे कार्य करता हूँ, मैं भी बागवान हूँ, मेरे भी घर में सेब है, ये देखकर मुझे काफ़ी खुशी हुई। पर कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे हम पुराने ट्रेडिशनल करते थे ना, जिसको हम कहते हैं कि लो डेंसिटी प्लांटिंग सिस्टम है यहाँ पे, जैसे आपके पौधों की ग्रोथ बहुत कम रहती है, तो इसकी आप प्लांटिंग डेंसिटी को कम कर सकते हैं फ्यूचर में। अब जब भी आप नई बगीचा लगाने का सोच रहे हैं ना, तो आपको इसकी डिस्टेंस कम करनी पड़ेगी। ये नहीं कि आप क्लोनल, एक होते हैं क्लोनल रूट स्टॉक्स बोलते हैं, आप लोगों ने किसी ने सुना होगा, एक होते हैं बीजू मूल वृंथ रूट स्टॉक, सीडलिंग रूट स्टॉक्स, जिस पे ग्रोथ बहुत ज़्यादा आता है, जिसकी प्लांटिंग डिस्टेंस हम 5 से 6 मीटर तक रखते हैं। यहाँ पे बीजू रूट स्टॉक पे भी, सीडलिंग रूट स्टॉक के ऊपर भी आप डिस्टेंस को कम कर सकते हैं। आजकल आप नया कंसेप्ट आ रहा है, आपने देखा होगा इटली से, यूएसए से। जहां तक प्राकृतिक खेती की बात है, आपका क्षेत्र जो है अभी तक तो मैं ये कहूंगा कि कुछ हद तक ऑर्गेनिक है, प्राकृतिक खेती के लिए उपयुक्त है और उसका हमें फायदा भी उठाना चाहिए। लेकिन प्राकृतिक खेती को जब अभी आपने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से जोड़ा, तो उसका अभिप्राय ये है कि पूरा विश्व एक ही मार्केट है। पूरे विश्व में आप कहीं भी किसी भी जगह पे अपना उत्पाद बेच भी सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ दूसरे देशों के भी लोग आपके एरिया में अपना उत्पाद फ्रीली बेच सकते हैं। तो उसके लिए जब आप मार्केट में, क्योंकि आप लोग अब बहुत कमर्शियल, आपके पास क्रॉप है, एप्पल है, दूसरे क्षेत्रों में कई जगह पे खुमानी भी होती है, बादाम भी होता है, नियोजा भी है, कई ऐसे उत्पाद हैं। और हाँ, वो एक तना छेदक होता है कीड़ा, तो उसके लिए भी आपने कुछ नहीं करना है, उसको तार से तार लेनी है कोई, और उससे जहाँ छेद है अच्छी तरह से पहले उसको साफ कर लेना, ठीक है, क्योंकि उसका मल जो होता है कीड़े का, वो सुराख से बाहर निकलता है, तब पता लगता है कि अंदर कीड़ा है, मिट्टी जैसी निकलती रहती है, ठीक है। हमने तो कीड़ा भी पकड़ के रखा। हाँ, कीड़ा वो ही होता है, बोरर होता है, छेदक होता है, इसीलिए उसका नाम, क्योंकि वो तने में छेद करता है, तो उसका नाम ही तना छेदक है, ठीक है। तो एक जो आपको मैंने बताया कि लाइट पे आकर्षित करना है, तो इस कीड़े के व्यस्क भी जो है वो एक लाइट पे आकर्षित होते हैं, तो एक तो वो तरीका हो गया। दूसरा, कच्ची गोबर की खाद, अगर आपकी गोबर की खाद कच्ची है तो वो थोड़ा अवॉइड करें सेब के पौधों को देने से, क्योंकि उसमें ज़्यादा फैलते हैं वो कीड़े, ठीक है। तीसरा, जब वो कीड़ा आ गया आपके तने में, तब आपने तार से सुराख को अच्छी तरह से उसकी सफाई करनी है, जितना तार अंदर चली जाए, और उसके बाद उसमें मिट्टी का तेल या फिर कोई पेट्रोल, केरोसिन ऑयल,
वोटन में डाल के रुई में भिगो के उसके अंदर अच्छी तरह से डाल देना है और बाहर से मिट्टी से उसको प्लग कर देना। भारत सरकार का एक बहुत बड़ी माननीय प्रधानमंत्री जी की स्कीम है जिसमें 10,000 FPO बनाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और हर ब्लॉक में कम से कम एक FPO जो है वो बनेगा, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। इसका आप लोगों को संगठित होके एक FPO बनाना चाहिए अपना स्पीति घाटी का या अपने इस क्षेत्र का, और फिर आपको मार्केटिंग करना, विदेश में आपने भेजना है, अपने FPO के माध्यम से भेजें, अपना ब्रांडिंग करें उसमें, ताकि आपके यहाँ के लोगों को और अधिक पैसा आपके उत्पादी। और आने वाले समय में जितने आपके पौधे पुराने होते जाएंगे उनमें जो फल की उत्पादन क्षमता है वो भी कम हो जाएगी। इसके लिए मैं आपको एक ब्रह्मास्त्र देने जा रहा हूँ, उसको आप प्लीज लिख लीजिए और उसको अजमा कर देखिए, फिर मैं अगले साल आऊंगा, फिर आपसे रिजल्ट पूछूंगा। आपने प्लास्टिक की केन्नी लेनी है, ये जो मैं आपको एक ब्रह्मास्त्र देने जा रहा हूँ इसमें जो है 1 kg सामान बनाना मैं बताऊंगा, और 1 kg का 5 kg कैसे बनाना है, 10 kg बनाना है वो आपने अपने हिसाब से बना लेना, ठीक है। ये जो मैं आपको दवाई बताने जा रहा हूँ, ये दवाई आपके कीड़ों को भी रोकेगी, आपके बीमारियों को भी रोकेगी और आपकी जिस पौधे में क्षमता फल की कम हो गई है उसको भी बढ़ाएगी। अब आपने क्या करना है, 1 kg प्लास्टिक की कैनी लेनी है, कैनी आप बड़ी ले लो, मैं 1 kg सामान बताऊंगा वो कैसे बनाना है और उसका प्रयोग कैसे करना है, ठीक है। ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये मैंने 2 साल प्रयोगशाला में काम करके उसके रिजल्ट के बेस पे मैं आपको बताऊंगा। 1 kg सामान में आपने 1/2 kg गाय का गोबर लेना है, ठीक है, 1/2 kg गाय का गोबर, उसमें आपने 250 ml जो है वो गौमूत्र डाल देना है, 250 ml गौमूत्र डाल दिया, कितना हो गया 1/4 kg हो गया, ठीक है। उसके बाद आपने उसमें 100 ml जो है वो दूध डालना है कच्चा, 100 ml दूध कच्चा, और उसमें 100 ml दही डाल देना, कितना हो गया सिर्फ 50 g बच गया। अब 50 g में आपने क्या क्या डालना, उसमें 1 गट्ठी लहसुन की और थोड़ा सा देसी घी 10-20 g हो सके तो, ठीक है, और सफेदे के 3-4 पत्ते हो गया। ये 1 kg सामान आपका बन गया। इस कैनी को आपने 3 महीने के लिए बंद करके रखना है, एयर टाइट कर देना है, हाँ बिल्कुल ठीक है। 3 महीने के लिए इस कैनी को बंद कर दिया, बंद करने के बाद 3 महीने का जब खोलना है तो इसका प्रयोग कैसे करना है, इसमें कोई ऐसी बुरी चीज तो नहीं जिससे आप हाथ लगा सकते हैं, कोई ऐसा तो नहीं है, गोबर से हम हाथ लगाते हैं, गौमूत्र से लगाते हैं, बाकी दूध दही तो है, ठीक है। इसको आपने, आप लोग चूना लगाते हैं ना पेड़ों पे, ठीक है, इसके प्रयोग करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका है इसको प्योर, जो प्योर है जब आप ट्रेनिंग और प्रूनिंग करते हैं तो वहां पे आप बोर्डॉक्स मिक्सचर और चौबेटिया पेस्ट लगाते हैं, वहां पे इस मिक्सचर को प्योर लगा दीजिए। दूसरा प्रयोग जो आपका जहां से टैनी की बाइफरकेशन होती है, तने का मेन पोर्शन, वहां पे इसका प्योर लेप लगा दीजिए, ठीक है, इसका प्योर लेप तने से नीचे जहां बाइफरकेशन हो रही है उससे बीच में और जहां आप ट्रेनिंग और प्रूनिंग करते हैं। अब इसका जो अगला प्रयोग है, आपने 1 kg, जो 1 kg बच गया आपने सपोज के लो 5 kg बना दिया, ठीक है, 1 kg आपने अलग से निकाल दिया जो पौधे को लगा दिया, 1 kg में क्या करना है आपने, 1 kg में 10 kg पानी डालना है, 10 लीटर पानी, 1 लीटर में 10 लीटर पानी। जब आपके इसके पत्ते कब झड़ेंगे, दिसंबर जनवरी में झड़ जाएंगे, कब झड़ते हैं आपके पत्ते, लास्ट में झड़ते हैं ना, और आते कब है, अप्रैल मार्च अप्रैल में आएंगे, तो जब ये झड़ जाएंगे और उसके 1 महीने के बाद जब ये जमीन से पानी लेगा उस टाइम पे आपने 2-3 लीटर जो है इसके तने में, जो मैंने आपको बताया 1 लीटर में 10 लीटर जो आपने पानी बनाया है ना, वो 2-3 लीटर इसके तौलिए में दे दीजिए, समझ गए।
और अगर आपने उसकी बीमारी और उसको कंट्रोल करना तो उसको छान के आप स्प्रे भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा किसी कोई बात समझ नहीं आई हो मेरे से बाद में पूछ लेना। जुले जैसे कि एग्रीकल्चर के साथ साथ पशु भी आप लोगों ने पाले हुए हैं, तो जिस तरह से आपने पशु पाले कई तरह गाय भेड़ बकरी साथ में श्वान या आपने कुत्ते भी रखे होते हैं, तो इनकी भी देखभाल उतनी ज़रूरी है। और हमारे पशुओं में कई तरह के रोग होते हैं। मैं विशेषज्ञ हूँ परजीवियों की। परजीवी का मतलब होता है जो हमारे पशु हैं इनमें तरह तरह के कीड़े, आप कीड़े कह सकते हैं, कुछ को तो हम देख सकते हैं और कुछ कीड़े होते हैं जो इनके शरीर के बाहर होते हैं, जैसे कि जुएं होती हैं इनमें, पिस्सू, चीचड़ होते हैं जिसको कि आप म्यू कहते हैं, म्यू, हाँ जी म्यू, तो ये म्यू म्यू जानवर पे आपने देखा होगा कि छोटे छोटे होते हैं लेकिन जैसे चिपक जाते हैं कुछ टाइम के बाद ही बड़े हो जाते हैं। तो जितने भी परजीवी होते हैं ऐसे नहीं है कि शरीर के बाहर होते हैं जानवर के, ये शरीर के अंदर भी होते हैं जो हमें दिखते नहीं हैं। जानवर के कई अंग होते हैं जैसे आंतड़ियाँ हैं, इंटेस्टाइन है या लिवर है इनका, कलेजा है, इनके लंग्स हैं, सांस लेने की नली है। तो यहाँ पे अलग अलग कीड़े होते हैं। यहाँ का जो मौसम है विंटर के टाइम बहुत सर्द हो जाता है, सर्दी हो जाती है, तो उस टाइम पे शायद इतने कीड़े वगैरह नहीं होते, लेकिन समर के टाइम पे आजकल जैसा आजकल मौसम है इससे पहले अप्रैल तक, तब उस टाइम पे ये ज़्यादा हो जाते हैं जानवरों में। तो ऐसा नहीं है कि वो वहाँ पे ऐसे ही पड़े हुए हैं, कई तो इतने खतरनाक कीड़े होते हैं कि जानवर की मृत्यु भी हो सकती है उससे। जैसे कि जो कलेजे में कीड़ा है अगर वो आ जाता है तो जानवर की मृत्यु भी हो सकती है। और बहुत सारे कीड़े इनका खून चूसते हैं, तो जो बाहर शरीर के बाहर होते हैं वो तो चूसते ही इनका, क्योंकि तभी वो जानवर पे, क्योंकि उनको वहाँ पे से उनको खाना चाहिए, तो खाना क्या, उनका खून। और जो जो जानवर के अंदर है वो जो जानवर को आप दे रहे हो खाने के लिए, घास दे रहे हो, उसको पोषण दे रहे हो, वो आधे से ज़्यादा ही कीड़े खा लेते हैं। तो पाया गया है कि इनके दूध का उत्पादन 20-30% कम हो जाता है अगर इनके अंदर परजीवी हो। परजीवी मीन मतलब पैरासाइट्स, इसको हम पैरासाइट्स कहते हैं। तो इनका रोकथाम उतना ही ज़रूरी है। अगर आपको अपने जानवर से अच्छा उत्पादन चाहिए, अगर आपको अच्छा दूध की क्षमता अच्छी हो, अगर 10 लीटर अगर वो दूध देता है, एक अगर परजीवी खून चूसने वाला उसके अंदर है, तो 20-30 मतलब कि जो आपको 10 लीटर मिलना चाहिए था 6-7 लीटर ही मिल पाता है, तो उत्पादन की क्षमता कम हो जाती है। इनका विकास नहीं हो पाता, जैसे बच्ची है वो हीट में नहीं आती, जब हीट में नहीं आती तो आगे उससे बच्चा नहीं मिलेगा, उसका दूध नहीं बनेगा, तो दूध नहीं मिलेगा, तो आपको उसके पालन पोषण में ज़्यादा मेहनत करने पड़ेगी, ज़्यादा इनपुट देना पड़ेगा। इसी तरह से इनके हड्डियों का विकास नहीं होता, इसी तरह से जो इनकी रोगों से लड़ने की शक्ति होती है तो उससे वो कमज़ोर हो जाते हैं, कमज़ोर होने की वजह से उनमें। आप लोग बंद गोभी लगा सकते हैं, ब्रोकली आप दूसरी फूल गोभी लगा सकते हैं, आप लोग यहाँ पे लाल बंद गोभी की खेती बाड़ी कर सकते हैं, आप लोग यहाँ पे ब्रोकली की खेती बाड़ी कर सकते हैं। ब्रोकली में हमारे पास कई किस्मों की आज की डेट में ब्रोकली है, हरे रंग की है, फिर इसके बाद पीले रंग की है, जामुनी रंग की ब्रोकली है, तो ऐसे ब्रोकली आप फूल गोभी की तरह, बंद गोभी की तरह अपने खेतों में लगा सकते हैं। इसके साथ आप का जैसे यहाँ हम देख रहे हैं कि पॉली हाउस का कंसेप्ट जो है वो लोगों में काफ़ी मशहूर है, आप लोगों ने अपने खेतों में भी अपने घरों में भी पॉली हाउस बनाए हैं। पॉली हाउस बनाने के लिए मैं आपको एक सस्ता जैसा एक फार्मूला बताता हूँ। आप लोग अपने घर के साथ एक बिल्कुल कम कीमत का पॉली हाउस बना सकते हैं, जैसे ये लद्दाखी पॉली हाउस बनाने की ज़रूरत नहीं है। घर की दीवार जो आपकी साउथ फेसिंग है, दक्षिण की तरफ जो दीवार है, जैसे मान लीजिए ये दीवार है, सूरज इस साइड से आ रहा है, एक दीवार आप घर की यूज़ कर सकते हैं, दूसरी तरफ आप लोगों ने इस तरह से स्लांटिंग में आप लोगों ने डंडे लगाने, उसके ऊपर फिर आप प्लास्टिक की शीट ढका करके एक घर का ही, घर के पिछवाड़े में भी आप एक पॉली हाउस बना सकते हैं कम कीमत वाला है। उसके अंदर आप लोग सब्जियों की पनीरी पैदा कर सकते हैं, गोभी बंद गोभी जो भी आप लोगों ने लगाना है वो आप लोग कर सकते हैं। आप लोग ज़मीन के अंदर भी खेती बाड़ी कर सकते हैं, जैसे कुकुमसेरी में हम लोग करते हैं, ज़मीन के अंदर मतलब एक एक मीटर आप लोगों ने खाई खोदनी है, उसकी लंबाई
आप लोग अपनी ज़रूरत के हिसाब से रखें, लेकिन वो गहराई जो वो एक मीटर तक होनी चाहिए। ऊपर वाली मिट्टी को अलग कर दो पहले, नीचे वाली मिट्टी को अलग कर दो। जब आप लोगों ने वो खाई जैसी, वो ट्रेंच जैसी खोद ली, ऊपर वाली मिट्टी को फिर आप उस खाई में डाल दो जो कि एक मीटर नीचे होगी ज़मीन के नीचे। उसमें ऊपर फिर लकड़ी के बेलने डाल करके उसके ऊपर प्लास्टिक की शीट लगा करके वो एक ट्रेंच टाइप पॉली हाउस आपका हो जाएगा। उसके ज़मीन के नीचे फिर आप लोग खेती बाड़ी कर सकते हैं। ये हम लोगों ने वहाँ पर देखा है कि जब आप लोग जो पत्तेदार सब्जियाँ हैं वो उस ट्रेंच में लगाएंगे तो ये नवंबर दिसंबर तक चलती हैं। जैसे पालक हो गया आपका, धनी हो, आजकल हरा कुछ नहीं मिलता खाने को, तो ट्रेंच के अंदर आप लोग जब खेतीबाड़ी करेंगे तो ये आप सीजन के अंत तक भी आप लोग कर रहे हैं। तो पशुधन की बीमारियों की बात करी तो पशुधन के भोजन की बात संबंधित मेरी बात है। एक सबसे बढ़िया कि हमारी जमीन तो उतनी ही है और उसी जमीन से हमने अपनी सारी जरूरतें पूरी करनी है। तो चाहे वो फलदार वृक्ष लगाएं, चाहे सब्जी करें, चाहे अनाज की फसलें लगाएं, भूमि हमारी उतनी है। तो जब हम इन सब चीजों को मिलाकर करते हैं तो वही कृषि वानिकी का रूप है। परंपरागत तरीके से हमारे बुजुर्गों ने क्या किया कि कहीं कहीं पेड़ थे और उनके नीचे हमने फसलें लगाई, वही कृषि वानिकी है। आज हम जो वैज्ञानिक ढंग से इस तकनीक की बात कर रहे हैं वो यही है। जैसे आपने ये फलदार वृक्ष लगाए, उसके अंतर्गत हम बता रहे हैं कि आप मटर लगाओ, राजमाश लगाओ, फ्रासबीन, ये भी कृषि वानिकी है। यानी कि एक ही जगह पे, एक ही स्थान पे जब हम समझते बूझते तरीके से पेड़ों को और खेती को मिश्रित करते हैं तो वो कृषि वानिकी है। अब मैं फलदार वृक्षों और सब्जियों की बात नहीं करूंगी, मैं सिर्फ बात करूंगी कि जब हम चारे के वृक्ष और उन्नत किस्म के घास को मिश्रित करते हैं तो उस कृषि वानिकी को हम कहते हैं सिल्वी पेस्टोरल। या आपकी ऐसी ज़मीनें जहाँ अनुपयोगी हैं, जहाँ कुछ नहीं उग रहा, वहाँ वृक्ष लगे हैं, उनके बीच में उन्नत किस्म के घास जो हमारे विश्वविद्यालय द्वारा रिकमेंडेड है, जैसे आपका एक ल्यूसर्न घास है, पीले रंग का फूल आता है ना उसमें, उसमें आप उसको एक बार काटते हैं, लेकिन विश्वविद्यालय की किस्म है ल्यूसर्न की जिसमें हम 3 से 4 बार कट कर सकते हैं। उसमें जो हमारी प्रोटीन की मात्रा है वो 20 से 24% होती है, बहुत उन्नत किस्म का घास है और एक बार लगा दिया आपने तो उसको बार बार लगाने की ज़रूरत नहीं। ऐसी कोई भी ज़मीन जो आपकी खाली पड़ी है वृक्षों के साथ आप उसका मिश्रण करें। और दूसरी बात करूंगी मैं चारे के वृक्ष की। आपके यहाँ चगमा है, वृक्ष है लगा हुआ जो कि आप खास तौर पे पशुधन को देते हो, लेकिन अब वो वृक्ष हमारे इतने पुराने होते जा रहे हैं और खत्म होते जा रहे हैं बहुत धीरे गति से। सबको लड़ी फार्म में मैं गांव वाले के तरफ से अपनी तरफ से धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मेन मुद्दा हमारे चंद्र साहब ने देख ही लिया होगा कि यहाँ के फार्म गांव वाले ने इतना ज़मीन दिया हुआ है। पालमपुर तो मेन है, पालमपुर बहुत बड़ा एरिया है, इसके बाद लहरी फार्म सेकंड नंबर पर, मेरा उम्मीद है कि सेकंड नंबर पर होगा। तो यहाँ गांव वालों की ओर कभी यही है कि यहाँ जितने भी आपके विभाग में पोस्टें खाली हैं, यहाँ के बच्चे बच्चों को यहाँ लगाने की कथात करें। और बाकी साइंटिस्ट, अब कई सालों से साइंटिस्ट यहाँ नहीं है, साइंटिस्ट नहीं के पोस्टें खाली पड़े हैं सारा। मैं डीसी साहब से उम्मीद करता हूँ कि इसमें साइंटिस्ट की खाली पोस्टों को भरा जाए। और यहाँ के जो मेन जो कार्य हैं अभी बहुत अच्छे ढंग से चला हुआ है, आप खुद देख ही रहे हैं यहाँ का फार्म कैसे चला हुआ है लहरी के। और मेन दिक्कत जो हमारे यहाँ आपके स्टाफ है उनको ये दिक्कत पड़ रही है कि लेबर, और मेन मई जून में जो सिंचाई का काम होता है उस टाइम इनको पानी की बहुत दिक्कतें पड़ती हैं। हींग का बहुत प्रचलन है और इसकी यहाँ बहुत संभावना, बहुत अधिक संभावना है, और हींग के खेती इस इलाके के लिए शायद बहुत ही सूटेबल है। और शायद मेरे ख्याल में लाहौल में इस पर बहुत रिसर्च और काम हो रहा है, और वहाँ के लोगों को, वहाँ के किसानों को इस अवगत भी कराया है, लोगों को डिस्ट्रीब्यूट भी हुआ। और मैं वीसी साहब से
निवेदन करूंगा कि स्पीति वालों को भी हींग के जो खेती है उससे अवगत कराएं और यहाँ उनके जो पौधे हैं उसको लोगों को बांटने की कृपा करें, क्योंकि हमें यूनिवर्सिटी के अलावा कहीं से भी इन चीज़ों को मिलना असंभव है। तो ये मेरा एक निवेदन है, और हमारे महिला मंडलों का एक निवेदन है कि वो लोग आपके द्वारा टूर पे प्रशिक्षण के लिए टूर पे जाना चाहते हैं। इनका एक तेज दिल से आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस बार इनको टूर के लिए ले जाया जाए। सर इन्हीं सभी एक आपका पहले बहुत पहले हमारे यहाँ मिट्टी जो आपका प्रशिक्षण आपका मिट्टी का वो सॉयल उसका मशीन था यहाँ, वो बाद में शायद पालमपुर ले गया है। तो हमारे यहाँ सॉयल के वजह से लोगों को बहुत दिक्कत है, यहाँ के सॉयल का वो पता नहीं लगता कि इसमें कौन से न्यूट्रिएंट्स की कमी है कौन सा ज़्यादा है। लोग सारे यहाँ अभी अंदाज़ा में सारे न्यूट्रिएंट्स डालते हैं, उसके वजह से सारा आपका अनबैलेंस हो गया है। कभी फ्रूट में कहीं समस्याएं आ रहा है, आपके मटर में समस्याएं आ रहे हैं, सभी तरीकों के बीजों में बहुत समस्या आ रहा है। इसलिए हम पिछले बार भी आपने बात की, जानते हैं कि स्पीति की क्या समस्याएं हैं, तो इनको ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। तो आज जिस उम्मीद के साथ आप यहाँ आए हैं, तो सर आपने 30 साल पूर्व दिवंगत श्री जी से नेगी की याद ताज़ा करवा दी है। तो वो भी जब यहाँ स्पीति में आए थे 1981 में, जब इस अनुसंधान का यानी कि लैंड ट्रांसफर और शिलान्यास के लिए, तो पूरे टीम वर्क लेकर यहाँ आए थे। आज हमें गर्व है सर, आप खुद हिमाचली हैं, आप एक पहाड़ी हैं, तो हमें आपसे निवेदन करने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद भले भांति परिचित हैं। तो मैं ज़्यादा समय ना लेता हुआ आप सभी लोगों का दिल की गहराई से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और इसके साथ मेरे एक निवेदन रहेगा कि जो यहां पर जो फोर्डर के जो स्पेशलिस्ट हैं, तो स्पीति में मैंने कहा जी निचले पैटर्न को ना देके स्पीति में जो हमारे सामान उपलब्ध है यहां पर, तो उस पैटर्न से मैंने कहा कि चारा किस ढंग से यानी कि तैयार करना है उसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालें। तो ज़्यादा समय ना लेता हुआ मैं फिर से वाइस चांसलर महोदय जी का और उनके टीम वर्क का स्पीति आने के लिए, हमारी टीम और किसान भाइयों और बहनों, आज का ये दिन हम सबको हमेशा याद रहेगा। जैसे यहाँ आके हम सभी प्रोफेसर जी सी नेगी को, डॉक्टर जी सी नेगी को याद कर रहे थे कि उन्होंने ये रिसर्च स्टेशन खोला था सबसे पहले, वैसे ही आप लोग और हम लोग भी याद रखेंगे कि एक टाइम था कि वाइस चांसलर प्रोफेसर हरेंद्र कुमार चौधरी जी यहाँ आए थे। अब आप आगे आगे देखिए होता है क्या, ये सारा कायाकल्प हो जाएगा आप लोगों का। यहाँ वीसी साहब जो बोलते हैं वो करते हैं, ये शुरू से ही प्लान कर रहे थे कि वहाँ जाना है और हम पूरी टीम लेके चलेंगे, सभी ने चलना है, और लोगों की जो किसान भाइयों की समस्याएं हैं उनको वहीं जाके मौके पर सॉल्व करना है। यहाँ क्या कुछ हो सकता है, क्या आपकी परंपरागत खेती है उसके बारे में भी चर्चा करनी है, और आगे क्या हो सकता है ताकि किसान भाइयों की आमदनी ज़्यादा, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि किसानों की आय दोगुनी करनी है। हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर जी ये हमेशा ही कहा करते थे कि किसानों की आय को हमने बिल्कुल ज़्यादा बढ़ाना है ताकि नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर हमारे किसान पहुँचें, किसानों के साथ जुड़ना है। आपने जैसे डॉक्टर कतना ने अभी कहा कि नीचे बैठे हैं, शायद ही आपने कभी पहले देखा होगा कि इतनी बड़ी टीम कभी यहाँ आई, ये पहली बार हुआ और इतिहास गवाह रहेगा। आपके बच्चे आपसे पूछेंगे कि इस इलाके का इतना कायाकल्प कैसे हुआ, तो आप प्रोफेसर हरेंद्र कुमार चौधरी और कृषि विश्वविद्यालय को याद करेंगे। सात को हम लियो है, वहाँ बात की, सात को पहले हमने किसानों से, बागवानों से और पशुपालकों से सांगला में बातें की, उसके बाद में कल हम लियो आए, वहाँ पर बातें हुई,
और शाम को यहाँ पर पहुँचे आपके पास। करीब 7:30 बजे जब मैं यहाँ पहुँचा तो पो में रेस्ट हाउस में गया, कोई नई बात नहीं, रुकना था। वहाँ पर चौकीदार को ढूंढा, वो भी कोई नई बात नहीं, क्योंकि उसको ढूंढ करके ही कमरा खुलवाना था। कमरा खुलवाया, सर्दी भयंकर थी, हीटर नहीं था, वो भी कोई नई बात नहीं, होता ही है। मैं और डॉक्टर बंसल उसके बाद चौकीदार के साथ गांव में गए, दो हीटर लेकर के आए ताकि ढंग से सो सकें, ये भी कोई नई बात नहीं थी। नई बात ये थी कि जब वापस आए तो चौकीदार ने भिन बनाते हुए ये कहा कि साहब किसने आपको बोला था कि नवंबर के महीने में यहाँ आओ, कौन आता है नवंबर के महीने में यहाँ? हमने कहा हम आते हैं, क्योंकि कुलपति जी का जो सोच है वो अलग है, हम लोग किसानों से मिलने आते हैं, सर्दी हमें नहीं रो सकती, और हम लोग कुछ अलग हैं, हम लोग गर्मी में बिलासपुर हमीरपुर और सिरमौर जाते हैं और सर्दियों में हम लोग लाहौल स्पीति किन्नौर और चंबा जाते हैं। चौकीदार ने मेरा मुंह देखा, कुछ बोला वो समझ नहीं पाया, लेकिन इतना जरूर बोला होगा कि ना तो दिल में आते हो ना समझ में आते हो। हम सब के चलता आपके पास जो लोकल है आप एप्पल, जैसे आप ये कह रहे थे कितने महंगाई है इसकी, कितने महंगा जा रहा है, क्योंकि अच्छा क्वालिटी है। हाँ, कम्पीट हमें करना है और उसके लिए आप तैयार हैं, ये मैं देख रहा हूँ। सिरमौर में कुछ और है, बिलासपुर में कुछ और है, चंबा में कुछ और है, हम सबको उस लोकल के लिए वोकल होना पड़ेगा, रिजर्व करना पड़ेगा उसको और उसकी अच्छी कीमत देनी पड़ेगी। तीसरी बात मैं आप ये कहता हूँ, मैं पशु चिकित्सा से संबंधित रखता हूँ और कई हमारे विद्यार्थी लाहौल स्पीति से वहाँ से आए, आपके यहाँ पे नौकरी भी करते हैं, आप भी कृषि विश्वविद्यालय वहाँ है, कृषि की वहाँ पे स्नातकी होती है, पशुपालन की होती है, अपने बच्चों को वहाँ भेजे ताकि वो आगे वैज्ञानिक भी बन सकें। और दूसरी बात है, पशुओं में बड़ा सीधा साधा सा, जैसे हम आदमियों में है, आप कितनी भी बीमारियां हैं, अभी डॉक्टर देवना ने कहा, डॉक्टर बंसल ने कहा और कृषि विशेषज्ञों ने उनके बारे में कहा, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। आप हमेशा आप ऐसे वातावरण में रहते हैं जहां कम बीमारियां हैं लेकिन फिर भी हैं, तो उनको आप हमेशा पहले बचाव लगाइए, बचाव के टीके लगाइए, और इस सब के लिए आपको ये वैज्ञानिक तरीके से करना है। इसलिए चाहे वो एग्रीकल्चर का अधिकारी है, चाहे वो पशुपालन का अधिकारी है, आप उनसे मिलिए, क्योंकि हम सब लोग कुछ सब कुछ नहीं जानते। और एक बात ये भी तय है कि लर्निंग यानी कि पढ़ते रहना अंत तक, वो एक सबसे बड़ी बात है, तो आप उनसे भी मिलते रहिए और वही तब करते रहिए। और इसके लिए ये जो वैज्ञानिक हैं, आज 25 हैं, वहाँ पर 200 हैं, और हमारे पास एक किसान पोर्टल भी है, आप हमारी वेबसाइट देखिए और उसके ऊपर अपना प्रश्न भेजिए, आपको 2 घंटे में 4 घंटे में और अगले दिन तो पक्का उसका जवाब आएगा। आप उसके साथ भी आप इस खूबसूरत पंचायत में रात को जब हम पहुंचे, मैं पहली बार कृषि विश्वविद्यालय में आने के बाद यहाँ इस केंद्र पर आया तो रात में ही समझ गया कि ये एक अनुसंधान केंद्र नहीं, पूरा पंजाब है। ये पंजाब की तरह एक भूमि है जिसकी शक्ति को हम भली भांति पहचान ना सके। चलिए, यहाँ आते ही मुझे मालूम पड़ा कि एक हमारे एम्प्लॉई, एक कर्मचारी श्री लोभजंग जी, जिन्होंने 30 वर्ष यहाँ कार्य किया और वो स्वर्ग सिधार गए, उसका हमें बहुत दुख है और हम उनके ऐसे छोड़कर जाने की भावभीनी श्रद्धांजलि उनको अर्पित करते हैं। इसके बाद मुझे एक पुकार कथक जी ने सुबह दी कि उनके सुपुत्र तंडुप, उनका नाम जो है वो पैशनेट ग्राउंड पे उसमें लिस्ट में डाला है, जब उसका नंबर आएगा तो उसको हम वो नौकरी देंगे। और उससे पहले कि वो नंबर जब आए, वो तो आएगा, लेकिन उससे पहले हम इस केंद्र की शक्ति को बढ़ाने जा रहे हैं, उसमें उसको भी कार्य देंगे।
यहाँ मौजूद श्री पद्मा दोरजे प्रधान ग्यू, श्री नोरबू नंबरदार लरी, श्री मदन नंबरदार हुरलिंग, श्री कतक पूर्व प्रधान कर्मचारी यूनियन स्पीति घाटी, श्री थोतल दोरजे प्रधान ताबो, श्री सुबोध जी प्रोग्रेसिव फार्मर, श्रीमती तंजिन धोलकस महिला मंडल प्रधान लरी, दूसरे सभी हमारे भाई बहनें बच्चे और बुजुर्ग सबका हम यहाँ स्वागत करते हैं। हमारे साथ आप देख रहे हैं विश्वविद्यालय के डीन, डायरेक्टर, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, हमारे कई अफसरान जिनको आपने यहाँ सुना, यहाँ से कृषि विज्ञान केंद्रों से आपके पूर्व यहाँ के जिन्होंने कार्य किया है वो कर्मचारी सभी यहाँ मौजूद हैं। उस शक्ति को लेकर हम यहाँ क्यों आए? हमने एक प्रण किया कि पूरे ट्राइबल एरिया का भ्रमण करेंगे और एक बार इस शक्ति को पहचानेंगे। मैं कभी इस क्षेत्र में नहीं पहुंचा, हालांकि लाहौल स्पीति में मैंने 5 वर्ष कार्य किया, 1989 से 1994 तक 5 वर्ष मैं लाहौल स्पीति में रहा। मैंने अपने कैरियर की शुरुआत ही वहां से की, ट्राइबल एरिया से की। ट्राइबल एरिया से, जनजातीय क्षेत्र से मेरा एक पुराना नाता है, एक संबंध है और एक प्रेम है। भारत वर्ष की ये भूमि एक ऐसी भूमि है जो आप बॉर्डर के बहुत नजदीक उस शक्ति को बनाए हुए भारत की इस सीमा को भी बचाए हुए हैं। आप सिर्फ यहाँ खेती नहीं करते, आप सिर्फ यहाँ रहते नहीं, आपने सिर्फ यहाँ घर नहीं बनाए, आपने यहाँ पर परिवार नहीं बनाए, आपने भारतवर्ष की सीमा को भी संजो कर रखा है। आप भारतवर्ष की इस सीमा को संभाले हुए हैं, ये ताकत आप ही बना सकते हैं। हम उसके लिए आपको सल्यूट करते हैं। सुबह सुबह आज जब मैंने इस फार्म को देखा, जैसे मैंने कहा कि पंजाब की तरह प्लेन ऐसा इलाका यहाँ पर आकर के होगा, मैंने कभी सोचा ना था। बहुत खुशी हुई कि इतना एरिया हमारे पास है जो कि आपकी ही देन है, आपकी ही धरोहर है, आपकी ही ताकत है। उस वक्त डॉक्टर जीसी नेगी जी ने तत्कालीन माननीय कुलपति हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, जिन्होंने ये केंद्र आपके सहयोग से यहाँ पर खोला, उसकी शक्ति हम आगे और बढ़ाएंगे और ये केंद्र दिन दुगनी रात चौगनी प्रगति करे, ताकि इस पूरे क्षेत्र में इसको स्वर्णिम घाटी के रूप में जाना जाए, ये हमारा सपना है। यहाँ पर वातावरण के बदलाव के अनुसार जिस तरह से धीरे धीरे एक बदलाव आ रहा है, और सेब जैसे कुछ वैज्ञानिकों ने कहा कि निचले क्षेत्र से कुल्लू और दूसरी घाटियों से ऊपर की घाटियों में आ रहा है, आपने भी यहाँ सेब लगाना शुरू किया, एक बहुत बड़ा बदलाव लाहौल स्पीति से लेकर के किन्नौर तक आया। ये बदलाव आना स्वाभाविक है, आना भी चाहिए। समय के साथ परिवर्तन बहुत जरूरी है। आप परिवर्तन ला रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी सूझबूझ मैं देख रहा हूं कि हमारे वैज्ञानिक जब बोल रहे तो हमारे बहने, हमारे भाई बखूबी अपने नोट्स बना रहे थे और उसमें लिख रहे थे। इससे पता लगता है कि आपके अंदर कैसी चाहत है खेती के प्रति, बागवानी के प्रति और अपनी धरती के प्रति। और बाहर से व्यक्ति जब आए तो उसके लिए आपका स्वभाव कैसा है, कितने ध्यान से आप उसको सुनते हैं, कितने ध्यान से आप अपनी बात को सामने रखते हैं, ये आज मैंने देखा और उसके लिए मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। उसके लिए भी आप प्रशंसा के पात्र हैं। यहां जिस तरह से आवाज उठी कि ये केंद्र हमारे लिए, इस क्षेत्र के लिए क्या कर सकता है, ये केंद्र आप सबके लिए एक मंदिर की तरह है। और अगर इसमें कुछ कमियां आई हैं पिछले वर्षों में, आप उसे भूल जाइए।
पिछले वर्षों में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्यों नहीं किया, मैं उस चर्चा में नहीं पढ़ूंगा, मैं उन बातों में नहीं जाता, किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया, अब मैं क्या करूंगा, अब इसको आप देखिए। इसका वादा लेकर के जैसे हमारे डीन साहब ने कहा कि सर्दियों में इस वक्त लोग डरते हैं पहाड़ की ओर आने के लिए, ट्राइबल एरिया में आने के लिए, कि कहीं बर्फ में ना फंस जाए। मैंने देखा है 5 वर्ष लाहौल स्पीति में रह करके ऐसे नहीं फंसते हैं, यहां भी लोग रहते हैं, यहां भी दुनिया बसती है, ये भी हमारा घर है, ये भी हमारी ताकत है। उसको पहचानने के लिए इन्हीं दिनों में आना होगा, जब आपके खेत खाली है, आप सारा काम कर चुके हैं, आप फ्री है, आपका समय हम बर्बाद ना करें। आपके पास बहुत कम समय मिलता है, वो कम समय किस तरह से आप इस्तेमाल करें, उस कम समय को आप इस्तेमाल करें, खूब जोर लगाएं, और आगे पीछे समय शुरू होने से पहले और समय के बाद उस वक्त ऐसी मीटिंगें रखनी चाहिए ताकि आपका कीमती समय जो खेतों में और बागवानी में लगना था, पशुधन में लगना था, वो यहाँ इन मीटिंगों में ना लगे। दूसरी बात, यहाँ इस क्षेत्र में मैंने देखा कि फर्टिलाइजर की बहुत कमी है, खाद की बहुत कमी है। आप लोगों के पास, किसानों के पास पशुधन है, उस पशुधन से आप अपने खेतों में जो है वो खाद दे देते हैं, लेकिन जिसने कमर्शियल करनी है, नीचे चंडीगढ़ से भी मैंने सुना लाते हैं लोग, किन्नौर से लेकर और स्पीति तक लोग जो है चंडीगढ़ से खाद लाते रहे। मैं चाहता हूं कि आप अपने पशुधन को बढ़ाओ, यहाँ पशुधन की बहुत क्षमता है, और आपके पास ऐसे ऐसे घास है, ऐसी ऐसी घासनियाँ हैं, ऐसे ऐसे घास है जो कि अगली ताकत जो है आपकी बढ़ा सकते हैं, आप दूसरों को सीड उसका बेच भी सकते हैं, जैसे लुसर्न है और फेस्कू घास है, ऐसे कई ऐसे घास है जो कि यहीं पर हो सकते हैं टेम्परेट एरिया में और दूसरी जगह नहीं हो सकते, और पशुधन उससे मजबूत होगा। एक साइलेज बनाने की प्रक्रिया कि सर्दियों में आप पशु को किस तरह से अच्छा जो है चारा खिला सकते हैं, प्रक्रिया का भी आपको प्रशिक्षण हम देंगे। हम कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में हमने ये कार्य शुरू कर दिया है, आपकी महिलाएं, आपके पुरुष जो भी वहां ट्रेनिंग लेने के लिए आएंगे, प्रशिक्षण लेने के लिए आएंगे, ऐसे नई नई बातें उनको जो हम सिखाएंगे, किस तरह से घर में आप अपना सूखे चारे को साइलेज में बदल सकते हैं, उसका अचार बना सकते हैं, जिसको पशु जो है सर्दियों में बहुत खुश होकर खाएगा। ऐसी प्रक्रिया बनाने की जरूरत है जिससे कि आपकी दूध की क्षमता ना घटे, उसकी गुणवत्ता ना घटे, और पशुधन मजबूत हो और उसमें कोई बीमारी ना लगे। उन बीमारियों की रोकथाम करने के लिए क्या क्या हो सकता है, इसकी भी, इसके बारे में भी हमने सोचा। अभी अभी मैंने ये निर्णय लिया है कि हमारे यहाँ पर जैसे एप्पल लग रहा है, पशुधन हमारे पास है, सब्जियां का जैसे डॉक्टर देशराज जी ने सब्जियों के बारे में कहा, आज यही मैं निर्णय लेता हूँ कि हमारे सभी साइंसदान पशुधन से संबंधित, हमारे एग्रोफोरेस्ट्री डॉक्टर पूनम, हमारे ये डॉक्टर देशराज वेजिटेबल के लिए और एप्पल के लिए हमारे डॉक्टर एनडी नेगी, ये सब मिलकर के अलग अलग एक ऐसा हिंदी में ब्रोशर बनाएंगे जिसमें सभी वैरायटियों का वर्णन भी करेंगे और कब कब वो लगानी है उसकी चर्चा भी उसके अंदर करके बहुत जल्द ऐसे ब्रोशर बना करके आपको यहाँ पर भिजवाए जाएंगे, ताकि आपको बार बार प्रश्न ना पूछना पड़े, बार बार आपको सोचना ना पड़े, बार बार आपको देखना ना पड़े। आपके पास वो ब्रोशर पड़ा होगा हिंदी में, आप उसको पढ़िए, पढ़ करके और जो है जिस तरह से क्या कार्रवाई आपको करनी है, कौन सी किस्म आपको लगानी है। हम ये भी चाहेंगे कि उस किस्म की बीज जो है वो कहाँ से मिलेगा, ये बात भी उसके अंदर दर्ज की जाए, ये बात भी उसके अंदर लिखी जाए। ये बहुत जल्द 1 महीने के अंदर जा करके आपको ये बना करके हम यहाँ भिजवाएंगे, ये मेरा वादा है। दूसरी बात, यहाँ फर्टिलाइजर की कमी, पानी की कमी, ये दो कमियां अगर पूरी हों तो ये केंद्र जो है स्वर्ग बन सकता है। पानी के लिए हमने निर्णय लिया है कि यहाँ पर एक बोरवेल बहुत जल्द हम जो है लगाने जा रहे हैं, आज ही हमने इसका निर्णय लिया। इसके अलावा जहाँ फर्टिलाइजर की बात है, फर्टिलाइजर के लिए FYM पहली शक्ति हम प्रदान करेंगे, दूसरी शक्ति ये केंद्र फिर मुहैया करेगा, उसके लिए पशुधन यहां रखने की प्रक्रिया भी हम करने जा रहे हैं। पहली शक्ति के मद्देनजर हम इनको 10 ट्रक जो है वो FYM के यहां पर बहुत जल्द भेजने वाले हैं, 10 ट्रक।
शुरुआत में भेजेंगे जो कि इस फार्म के लिए ही होगा और इसमें कार्य करने के लिए होगा। उसके साथ ही हम पशुधन रखेंगे ताकि पशुधन जो है उससे तैयार जो FIM है वो हमारे खेतों की शक्ति बने। ये दूसरी बात है, ये आपकी डिमांडें जो आपने पुकार की है उसका मैं जवाब आपको दे रहा। तीसरी बात, यहाँ स्टाफ की कमी, आपने कही कि यहाँ स्टाफ की बहुत कमी है। आज अभी इसी समय मैं एक ऐलान करता हूँ कि डॉक्टर एनडी नेगी को इसका मैं साइंटिस्ट इंचार्ज यहाँ नियुक्त करता हूँ और डॉक्टर एनडी नेगी यहाँ का भी और लियो का भी दोनों का कार्यभार पालमपुर से अभी देखेंगे। और जैसे ही जनवरी जब मार्च आएगा, मार्च महीना जिस वक्त जो है यहाँ पर आने की जरूरत पड़ेगी, हम नए साइंसदान इनके साथ जोड़ेंगे, ये मेरा वादा है। लेकिन इनकी नियुक्ति आज ही साइंटिस्ट इंचार्ज के रूप में हमने यहाँ से की, तो आपकी शायद ये पुकार जो है सुनी गई। इसके बाद यहाँ पर जो स्टाफ हमें चाहिए उसके लिए आपको पता है धन की जरूरत होती है, लगातार स्टाफ लेने के लिए कुछ परियोजनाओं की जरूरत होती है। वो परियोजनाएं हमारे साइंटिस्ट अब तैयार करेंगे जाकर के, और ट्राइबल सब प्लान में या दूसरे प्लान में या कोई और महत्वपूर्ण जो यहाँ की खेती जिसमें हो सकती है उस रास्ते पर, उन राह पर हम आगे बढ़ेंगे और नई नई परियोजनाएं ला करके उसमें यहाँ के ही क्षेत्र के युवा शक्ति को हम बीच में रख करके आउटसोर्स में लगा करके उनको भी ये मौका देंगे कि इसको सजाए और इसको संवारे। दुनिया से हटकर हमें काम करना होगा तब जाकर वो ताकत हमारे अंदर पैदा होगी, पहचान होगी कि स्पीति घाटी भारतवर्ष के लिए नहीं पूरे विश्व के लिए क्या कर सकती है। हम सिर्फ भारतवर्ष तक रहते किसी साहब ये यहां से लिया और चंडीगढ़ बेच दिया, नहीं, हम विश्व के लिए क्या कर सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा जब सुबोध जी ने कहा कि हम इसको बाहर कैसे भेज सकते हैं। इसके लिए पहला मेरा जो राय है वो ये है कि पहले अपनी शक्ति को आप समझें कि आपके पास शक्ति है क्या। आपके पास अगर एप्पल की बात है, इस वक्त भारतवर्ष में इस क्षेत्र का एप्पल जो है नंबर वन माना जाता है। किस लिए? आपने बहुत कम स्प्रे किया है, सबको मालूम है पेस्टिसाइड कोई नहीं खाना चाहता। दूसरा, इसकी जो कीपिंग क्वालिटी है, बहुत देर तक इसको रखा जा सकता है। एक डिब्बा अगर घर के अंदर पड़ा है पूरे घर में खुशबू होती है। मैं कई बार लाहौल स्पीति से इस तरह से सेब घर ला चुका हूं। तो कहने का भाव कि इस शक्ति को बढ़ाने के लिए आपको ध्यान रखना होगा कि आपका पौधा कमजोर ना हो, आपके पौधे के अंदर ताकत हो। ये पौधे नहीं, हमारे बच्चे हैं। अपने बच्चों की जिस तरह से रक्षा करते हैं उस तरह से इन पौधों की रक्षा करनी होगी। उसका तौलिया बना है या नहीं बना है, उसके नीचे खाद दी है या नहीं दी है, उसको कोई बीमारी तो नहीं, पौधे के अंदर कोई मुश्किलात तो नहीं। जितने भी कीड़े मकोड़े और दूसरे स्कैब की बातें यहाँ पर की, ऐसी कोई बीमारी तो नहीं आ रही। अगर आ रही तो तत्काल उसका उपाय किया जाए एकदम, ताकि आपके फल के ऊपर उसका प्रभाव ना पड़े और उसका साइज जो है वो प्रॉपर हो, ठीक हो, उचित हो, मार्केट में उसकी शक्लो सूरत और उसका साइज पसंद किया जाए। उसके लिए आपको उस जमीन में खाद देनी होगी, खुराक देनी होगी, ताकि पौधा आपका कमजोर ना रहे। ये ताकत जब आप पैदा कर लेंगे तब जाकर के आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचेंगे। और इसके लिए एक ऐसा संस्था है अपीडा जिसको कहते हैं, अपीडा के माध्यम से हम ये काम फौरन भेजने का कर सकते हैं। धीरे धीरे सेब की शक्ति स्पीति से लेकर और किन्नौर तक बढ़ती चली जा रही है। आने वाला वक्त आपका ही है। सेब एक पहचान होगी जो कि पूरे विश्व में, जैसे हम दूसरे देशों का सेब यहां लाते हैं, इस तरह से हमारे देश का सेब इन जनजातीय क्षेत्रों से उठ करके अमेरिका तक पहुंचेगा। ऐसा दिन आएगा, आप देखते जाइए। लेकिन ध्यान रखना होगा अपनी वैरायटियों पर, अच्छी वैरायटियों पर, अच्छे उसके पॉलिनेशन पर, अच्छे पॉलिनाइजर पर, उनकी बीमारियों पर और उसकी खुराक पर। जब ये सब कुछ आप ध्यान रखेंगे और ठीक ढंग से
आप सरकार के माध्यम से जैसे जैसे नई नई स्कीमें नई नई परियोजनाएं हिमाचल सरकार से या भारत सरकार से कई बार आगाज होता है, जैसे FPO की बात कर रहे थे, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, वो आप इस घाटी में बना सकते हैं। जो आपकी युवा शक्ति है उसको सामने लाइए, क्योंकि अब जमाना डिजिटल हो गया, कंप्यूटर का हो गया, जो आपके पढ़े लिखे बच्चे हैं उनको उसमें शामिल करिए, उनकी शक्ति को इस ओर लगाइए। अगर वो खेतों में नहीं जाना चाहते तो उनको अपनी शक्ति इस तरह से बनाइए कि आप कंप्यूटर को संभालो ताकि दुनिया के साथ हम जुड़ सके। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। अभी हाल ही में जब मैं कुलपति एक वर्ष पहले बना तो हमने लाल धान की आवाज उठाई। कभी आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि लाल धान शिमला, कांगड़ा, मंडी और चंबा में लगता है। पहले भी लाल धान लगता था लेकिन चुपचाप लोग थोड़ा सा लगाते और उसको खा लेते थे। लेकिन जब हमने उसकी आवाज़ उठाई और उसको सामने लाए तो राष्ट्रीय स्तर पर उसकी आवाज़ उठने लगी। और अभी जब हम परसों चौथ पालमपुर से चले थे 4-5 दिन पहले, तो वहाँ से दिल्ली से चिट्ठी आई कि एक जीनोम सेवियर अवार्ड जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट देती है 10 लाख रुपए का रोडू को दिया जा रहा है राष्ट्रीय स्तर पर उस लाल धान के लिए। लाल धान एक एक पॉइंट है, ऐसे कई हमारी शक्ति है जिस शक्ति को हम सामने ला सकते और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना सकते। ऐसे आप अपने एप्पल की पहचान भी बना सकते, आप अपने सेब की पहचान राष्ट्रीय स्तर पर बना सकते। जैसे राष्ट्रीय स्तर पर यह जाएगा कि इसकी खासियत क्या है, ये दूसरे सेब से भिन्न कैसे है, कि साहब इसको आप जो है देर तक रखिए ये खराब नहीं होगा, देर तक रखिए इसका जूस खत्म नहीं होगा, आप इसको देर तक रखिए इसमें कोई ऐसी खराबी नहीं आएगी, और इसकी गुणवत्ता दूसरे सेब से बेहतर है क्योंकि इसमें पेस्टिसाइड का स्प्रे बहुत कम है, हमने पूरा ध्यान रखा है, कम से कम हमने इसमें स्प्रे किया है और जहर कोई नहीं खाना चाहता। उससे दूर रखने के लिए लोग महंगे से महंगा सेब खरीदना चाहेंगे, अपनी सेहत अच्छा बनाना चाहेंगे। ये गुणवत्ता जब इसकी हम प्रदर्शित करेंगे तो ये राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचाना जाएगा। इस तरह से और हमारी क्या ताकत है इस घाटी में जिसको लेकर हम आगे बढ़ सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम सब्जियाँ लगाते हैं, हम गोभी और मटर से बाहर नहीं निकलना चाहते, क्या हम ब्रोकली लगा सकते हैं, क्या हम लेट्यूस लगा सकते हैं? ये जो वातावरण है ये समझ लीजिए, मैं तो पूरे इंग्लैंड, स्कॉटलैंड सब कंट्रियों में मैं घूमा हूँ, तो वहाँ का वातावरण यहाँ के वातावरण में कोई अंतर नहीं, कोई अंतर नहीं, एक जैसा मौसम है, ऐसा ही वातावरण है, ऐसे ही बर्फ गिरती है, ऐसी जमीन है, ऐसे ही लोग हैं। आपकी शक्ति उनसे ज्यादा है क्योंकि आपके पास आवाजाही के वैसे साधन नहीं है जैसे उनके पास है, आपके पास वो शक्ति नहीं है जैसे वो विकसित देशों के पास है, लेकिन फिर भी मेहनत करके आप यहां तक पहुंचे ये बहुत बड़ी बात है। आप एक नई शक्ल अख्तियार कर सकते हैं, इस घाटी को एक नया रूप दे सकते हैं अगर आप अपनी शक्ति को पहचाने। तो इसमें हम क्यों यूरोप की वेजिटेबल को यहां नहीं लगा सकते? हम यूरोप की वेजिटेबल को यहां लगाएंगे, लाहौल घाटी ने इसको अपना लिया है, उन्होंने ब्रोकली और लेट्यूस को लेकर के क्रांति अपने खेतों में ले आए हैं। मैं चाहता हूं कि स्पीति घाटी के लोग भी आगे बढ़ें और ये दो चीजें भी अपनी सब्जियों में शामिल करें जिसकी की बहुत डिमांड है। यहाँ की ब्रोकली और यहाँ के लेटस ये जो है चंडीगढ़, दिल्ली और दूसरी मार्केट तक जा सकता है, ये भी एक आपकी पहचान बनेगी। जब FPO बनाएंगे तो ये भी चीज उसमें शामिल हमें करनी पड़ेगी, ये भी आपकी पहचान है। इससे आगे हम कई बार ऐसे पौधों की बात करते हैं, जैसे डॉक्टर कतना ने कहा कि हमारा एमरंथस था, चौलाई जिसको कहते हैं, हमारा भरेसा, ओगड़ा जिसको कहते हैं, ओगड़ा और फाफरा, बकबीट, फिर हमारे दूसरे बाथू है, मंडल है, प्रोसो मिलेट है, रागी है, दूसरे कई चीज़ें हैं जिसको हम भूल गए। आज पूरा विश्व जो है बकबीट की तरफ देख रहा है, पूरा विश्व जो है मंडल की तरफ देख रहा है, रागी। अभी 2023 का वर्ष जो है वो इंटरनेशनल मिलेट ईयर मनाया जाएगा, 2023 तो अभी 2 साल है,
उसको कार्य करने के लिए हमने अपना कार्य शुरू कर दिया है। ये मिलेट की पहचान कहाँ से होगी? आपके लाहौल स्पीति से लेकर और किन्नौर तक, यहीं वो मिलेट होता है, यहीं वो अनाज होता है, यहीं वो फसलें होती हैं, यहीं वो स्यूडो सीरियल है, अमरंथस है, बकबीट है, चिनोपोडियम है, ये सारे जितनी फसलें हैं इनके लिए अब दुनिया इनके पीछे भाग रही है। लेकिन ये मिलेंगे कहाँ? इन क्षेत्रों में मिलेंगे। ये आपकी वो ताकत है। अब लोग आपको ढूंढेंगे कि साहब हमें थोड़ा उगला दे दीजिए, हमें थोड़ा फाफरा दे दीजिए, और इसकी शक्ति आप देखते जाइए। जैसे जैसे लोगों को पता लग रहा है कि ये कई रोगों को दूर कर सकता है, कई मानव के लिए ये ताकत बन सकती है, तो आने वाले समय में हजारों रुपए किलो ये आपका बकबीट उगला बिकेगा। इसलिए इन फसलों को भूले ना, ये वो फसलें हैं जो आपकी सदियों से धरोहर है, सदियों से आपकी ताकत है। उनको पहचान बनाए रखिए और अपने खेतों में जरूर लगाइए। हमारे पास एक से बढ़कर एक किस्म है, एक से बढ़कर एक प्रजाति है। आपकी अपनी कई ऐसी किस्में हैं जिनको कि आप संजोकर रखा हुआ है। उस ताकत को पहचानिए, उसको आगे बढ़ाइए। इसके अलावा ये घाटी रतन जोत के लिए जानी जाती है। रतन जोत जो कि ऐसा पौधा है जिससे जिसको ऑर्गेनिक डाई के रूप में समझा जाता है, कि आप एक जड़ी बूटी है जो कि बालों को रंग करने के लिए या सब्जियों में रंग डालने के लिए ऑर्गेनिक, जो कि खराबी नहीं करेगा। बाजार का जो रंग डालते हैं तो उससे खराबी होती है, इससे खराबी नहीं होगी ये, और इससे टेस्ट भी जो है वो बढ़ता है। मुगलों की सब्जियों में रतन जोत का इस्तेमाल हुआ करता था, और ये रतन जोत का घर है। ये रतन जोत के घर को पहचानिए, उस ताकत को संजो कर रखिए। और मेरा ये भी एक वादा है कि रतन जोत को हम पहाड़ों से उतार कर इस धरातल पर लाएंगे, और यहाँ एक सेक्शन हम रतन जोत का ही रखेंगे, और इस केंद्र पर रतन जोत का प्रशिक्षण भी लोगों को देंगे कि रतन जोत को किस तरह से हम आगे ला सकते हैं। एक इसके अलावा शिलाजीत की मैं बात कर रहा था, मैंने एक व्यक्ति को बुलाया भी था लेकिन वो शायद यहाँ नहीं पहुँचे। शिलाजीत जो कि आपकी चट्टानों की एक ताकत है, एक मिनरल है, मिनरल जिसकी ज़रूरत हमारी हड्डियों को होती है। हड्डियों में मिनरल चाहिए। जिस वक्त हड्डी टूट जाती है या कमज़ोर पड़ जाती हैं तो सर्दियों में आपको पता है कई बार तो पशुओं को भी शिलाजीत खिला देते हैं। वो ताकत, वो गर्मी पैदा करने के लिए इन पहाड़ों के अंदर वो चीज़ छुपी हुई है। उस शिलाजीत को आज तक पहचान ना मिली, लेकिन मैंने ये यहाँ आकर के सोचा कि शिलाजीत को पहचान हम दिलाएंगे ताकि स्पीति घाटी के नाम से शिलाजीत पहचानी जाए। इसके अलावा और भी कई रास्ते हैं, कई राहें हैं जिनको खोज कर हम आगे बढ़ सकते हैं। हमारे यहाँ लद्दाखी जो आपके पॉली हाउसेस है, इनके अंदर आज मैंने जाकर देखा बहुत शक्ति है और यहाँ कामयाब है, तो क्यों ना इनको अपनाया जाए। इनको हम अपनाएंगे, और ऑफ सीजन जो नर्सरी जो तैयार करनी है, क्योंकि नर्सरी की यहाँ पर बहुत ज़रूरत है। सब्जियों की नर्सरी यहाँ से लेकर और काजा से भी आगे तक आपको चाहिए, सब लोगों को चाहिए। वो नर्सरी हम इस केंद्र पर तैयार करें ताकि हमारे लोगों को वो नर्सरी समय पर मिले, और अलग अलग वैरायटियों की, जिस तरह से डॉक्टर देशराज जी ने कहा कि अलग अलग समय में आप अलग अलग किस्म लगाइए ताकि वो अलग अलग समय पर फ्लावर करे, फूल उसमें आए, और आप उसको ऑफ सीजन के रूप में उसको बेच सको और अच्छा पैसा कमा सको। तो यहाँ से उस नर्सरी को तैयार करने के लिए भी हम आगे बढ़ेंगे, इस रास्ते में भी आगे बढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ इस केंद्र में 2 एम्प्लॉई है, एक ज्ञानेश्वर नेगी फील्ड असिस्टेंट है, और शेर सिंह जो ड्राइवर के रूप में यहाँ कार्यरत है। इसके अलावा कुछ आउटसोर्स के लोग यहाँ काम करते हैं। उन्होंने ही इस शक्ति को संभाला। कैसे संभाला? आप सबकी ताकत से, ये प्रधान जी, आप सबकी ताकत से। ये हमारी ताकत कुछ भी नहीं उसमें। मैं तो बहुत हैरान हूँ कि ये दो ही व्यक्ति किस तरह से इस केंद्र को आज तक चलाते रहे। इन दोनों व्यक्तियों को पालम पर बुला करके मैं सम्मानित करने जा रहा हूं।
इन दोनों को वहां बुलाया जाएगा और इनको सम्मानित किया जाएगा कि इन्होंने आज तक इस ताकत को बचाए रखा, इनका आपके साथ प्रेम है, आप इसको एक मंदिर समझते हैं, आपने इसको एक प्रशिक्षण केंद्र समझ रखा है। मैं आपका बहुत तहे दिल से शुक्रिया करता हूं। हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय आपका ऋणी रहेगा हमेशा कि आपने ये ताकत हमें दी है, इस केंद्र को संभाल कर रखा है और हमारे इन दो व्यक्तियों के साथ मिलकर के इस केंद्र को आज तक आप चलाए रखे। अगली ताकत अब मुझे दीजिए, मैं इसका काम जो है वो देखूंगा, मैं इसकी जो है ताकत बनूंगा। आप देख रहे हैं कितने साइंसदान, डीन, डायरेक्टर सब आपके बीच में विराजमान हैं। ये शक्ति मिलकर के इस केंद्र का स्वरूप बदलेगी और हम इसको मॉडल फार्म बनाएंगे। हमारे मित्र सुबोध जी ने और प्रधान जी ने ये बात कही कि हमारी महिलाएं प्रशिक्षण चाहती हैं। मुझे मालूम है कि लाहौल से लेकर और किन्नौर तक मैंने खुद देखा है, लाहौल घाटी में, यहाँ भी देखा, अभी मैं सांगला गया था वहाँ भी देखा, लियो में भी देखा, हमारी बहनें माताएं बहुत ताकत है इनके अंदर, भगवान की अपरंपार शक्ति इनके अंदर है। ये खेतों में भी खूब काम करती हैं, घर में भी खूब काम करती हैं। कम से कम मैं आपको एक जिम्मेवारी देने जा रहा हूँ, ये जिम्मेवारी आपकी है और इसमें अगर कोई जरूरत है आपको उस शक्ति को पहचानने के लिए, हमारे साथ डॉक्टर फरहान और डॉक्टर सुशांत यहाँ पर आए हुए हैं, दो साइंसदान जो कि काम ये करते हैं कि हमारी महिला ये कभी ताकत से वंचित ना रहे, विटामिन से वंचित ना रहे, खुराक से वंचित ना रहे, घर को ही पालती ना रहे, इसकी भी शक्ति बनो, इसका ध्यान रखो कि क्या उसके अंदर आयरन की कमी तो नहीं, क्या उसके अंदर वो दूध पी रही है नहीं पी रही है, वो खाना खा रही है कि नहीं खा रही है, उसका भी ध्यान रखो। आप भी खुद मजे लो लेकिन उनको भी मजे कराओ, हाँ ये बहुत जरूरी है। और उस खान पान में इनका ध्यान किस तरह से रखा जा सकता है, इसके लिए हमारे दो साइंसदान आपके सामने खड़े हुए हैं। कभी भी आपको ये मुश्किलात हो और हमारी ये महिलाएं कभी जो है ये चाहें कि हमें किस तरह से हम जो है अपना ध्यान रख सकती हैं, उसके लिए हमारा एक पूरा कॉलेज है, कॉलेज ऑफ कम्युनिटी साइंस, जो आपका काम करेगा। और यहाँ से ये भी मैंने वादा किया, निर्णय आप करो, डिसाइड आप करो, फैसला आप करो। हमारे साथ आपने हाथ मिलाया है, आपने इतनी ताकत हमारे कृषि विश्वविद्यालय को दी है इतने वर्ष पहले, ये जमीन आपकी है, ये धरोहर आपकी है, ये शक्ति आपकी है, ये वातावरण आपका है, ये घाटी आपकी है, हम सिर्फ यहाँ आपकी मदद करने के लिए सरकार की तरफ से यहाँ पहुंचे हैं और हम आगे इस तरह से मिलकर बढ़े, इसके लिए मैं एक और निमंत्रण आपको देने जा रहा हूं, वो ये है कि लरी घाटी से भी आप अपने बच्चों को, एक एक बच्चा जो है मेरे पास पढ़ने के लिए भेज दीजिए। अगर आप अपने घर से एक एक बच्चा जो है पढ़ने के लिए पालमपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में भेजेंगे, धीरे धीरे हम वहां से साइंसदान तैयार करके आपको वापस भेजेंगे और वो साइंसदान जो इस धरती को पहचानता है, धरती पुत्र है, यहाँ की शक्ति को पहचानता है, उसके अंदर इस वातावरण को सहन करने की शक्ति है, वो जानता है कि हमारा भविष्य क्या है, पढ़ लिख कर जब यहाँ आएगा वो भविष्य में आपकी ताकत बनेगा। तो आप सब मिलकर के ये निर्णय लीजिए कि अपने घरों से अपने बच्चों को डॉक्टर भी बनाइए, इंजीनियर भी बनाइए, आईएएस अफसर भी बनाइए, एचएएस भी बनाइए, एसटीएम भी लगाओ, डीसी भी लगाओ, लेकिन साइंसदान भी बनाओ। साइंसदान बनाने के लिए आप अपने बच्चों को हमारे पास भेजो, वो निमंत्रण मैं आपको देता हूँ, आप उनको भेजिए तो सही। सरकार की तरफ से कई ऐसी स्कीमें हैं, कई ऐसी रिजर्वेशन है जिसमें आपके बच्चों के लिए हम बुला बुला कर थक जाते हैं, आप उनको भेजिए ताकि वो शक्ति आपके घरों में ही पैदा हो जो शक्ति लेकर मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। आज का दिन हमेशा के लिए आपको याद रहेगा। इतनी शक्ति लेकर भविष्य में तो मैं पता नहीं आऊँगा या नहीं आऊँगा, लेकिन जो वादे मैंने किए हैं ये वादे बहुत जल्द मैं पूर्ण करूंगा, ये मेरा वादा है। बहुत बहुत धन्यवाद।